हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी का पेपर, जो कि कॉमन पार्ट रहा है सबका। तो मॉर्निंग शिफ्ट में पीजीटी का पेपर था आज आपका 23 दिसंबर को, तो उसी की आंसर की डाल रहे हैं, प्लस एक रिव्यू। जो पेपर बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा है, जितना आपका पीआरटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो पीजीटी का उतना ही थोड़ा मुश्किल रहा है। हर एक सेक्शन, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो या फिर जीके हो, ठीक है, ये बच्चों का परस्पेक्टिव है। हम तो घर बैठ के सोल्व कर रहे हैं, तो हमें तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा इजी लगता है, बट वहाँ पर जब एग्ज़ाम टाइम की अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली पीजीटी का एग्ज़ाम एज अ रिव्यू आपका डिफ़िकल्ट रहा है। तो हम आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन फर्स्ट 30 में आपका रहेगा हिंदी, इंग्लिश और आपकी जीके और करंट अफेयर, ठीक है, ये सारा का सारा हम देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें कंप्यूटर रीजनिंग एंड पैडागोजी देखेंगे, ठीक है। तो हम उल्टा चलेंगे 30th क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, हड़प्पन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक सही है। इट इज़ एन अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट, इट इज़ अ कंपेरेबल टू रोमन स्क्रिप्ट, इट इज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक द देवनागरी। तो जो आंसर होगा इसका ये होगा, इट इज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यह चित्रलेखी लिपि है, और ये जो लिपि है ये गलत है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है ये, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच स्टेटेड द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करने वाले उद्देश्य प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था। तो गाइज, आप लोगों का ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल वन डे पहले भी डिस्कस किया था, जो मैंने मॉक टेस्ट डाला था उसमें मैंने पूछा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट कौन सी थी और किसने पारित किया था। तो आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्राउन एजेंडा। तो ब्राउन एजेंडा क्या होता है, ये मेनली अर्बन की भी जो भी प्रॉब्लम होती हैं, वाटर को, सैनिटेशन को, पोल्यूशन को, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पे जो बाकी तीनों हैं वो आपके अर्बन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ब्राउन एजेंडा डील्स विद द एनवायरमेंटल इशू एसोसिएटेड विद द अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ब्राउन एजेंडा डील विद द इशू सच एज पॉल्यूशन, डिस्पोजल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, ठीक है, एंड देन ब्राउन एजेंडा डील विद द लोकल इशू ऑफ द अर्बन पुअर, अगेन डिसएडवांटेज। तो इसमें आपका अर्बन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो ये जो ब्राउन एजेंडा है आपका सेकेंड वाला है, ठीक है, ये सेकेंड इसका आंसर है, क्योंकि इसमें बाकियों में अर्बन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की हुई हैं, इसमें नहीं की हुई सेकंड वाले में, तो सेकंड ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 27th, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वोन द स्पेशल गोल्डन मैन बुकर प्राइज विच मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, मैन बुकर प्राइज की, तो ये आपको बतानी है। इसमें वी एस नायपॉल, मिशेल ओन द जे, सलमान रुश्दी, किरण देसाई, आंसर है आपका मिशेल ओन द जे, ठीक है। ये हमने जो लाइव सेशन लिए थे आपके करंट अफेयर के उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो करंट अफेयर एंड कंप्यूटर्स और जो हमने जीएस डिस्कस किया हुआ था वो ऑलमोस्ट वही आ रहा है, या तो एनसीईआरटी से या फिर हमने जो कवर करवा रखा है आपको वो पूरा का पूरा ठीक से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम उल्टे चल रहे हैं, तो 26th क्वेश्चन, हु वोन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन इन द एशियन गेम। अराउंड 10 बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा होगा आप लोगों से, तो ये है आपका पीवी सिंधु, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट भी था, मैंने बोला भी था कि एशियन गेम्स में पढ़कर जाना, एशियन गेम आएगा आपका, दोनों ही एशियन गेम्स में से आ रहे थे। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट पैटर्न इज लाइकली टू डेवलप इन प्लेन फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन, रेक्टेंगुलर, लीनियर, स्टार शेप्ड, सर्कुलर, ठीक है, आयताकार, रेखाकार, ताराकृत, वृत्ताकार। तो आंसर है इसमें आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार। नेक्स्ट है, वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, ठीक है, लार्जेस्ट सोलर पार्क पूछा हुआ था, ना कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई, तो आंसर आना था आपका कर्नाटक, ठीक है, ये तमकुड़ु डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटक में है, वहाँ पर ये आपका लार्जेस्ट सोलर पार्क एस्टेब्लिश हुआ है कर्नाटका में, तो आंसर इसका है कर्नाटका 24th का।
नेक्स्ट है इन विच पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोथ स्पीसीज बेनिफिट, कंप्यूटेशन में, एमिनलिज्म में, कम्युनलिज्म में या म्यूचुअलिज्म में। तो जो आंसर है आपका म्यूचुअलिज्म आना था 23rd का, तो 23rd का म्यूचुअलिज्म होगा। इसमें दोनों ही जो स्पीसीज होती हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22nd, व्हेन डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केम इनटू इफेक्ट। हालांकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 2015 में, सितंबर 2015 में एडप्ट किए गए थे, बट ये फोर्स में आए थे आपके 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। 1 जनवरी 2016 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ प्रिस्टोरिका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल लीडर, यानी कि जो प्रिस्टोरिका की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियों का आरंभ निम्नलिखित में से किस राजनेता के साथ जुड़ा हुआ है, किसने स्टार्ट किया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका मिखाली गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाली गोर्बाचेव आंसर है आपका, फोर्थ वाला आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आपका हिंदी का पार्ट, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं, ये है हमारा हिंदी आ जाती है हमारी। तो ये देखिए, आप पर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र, आयुध, तलवार, शस्त्र, तो आंसर है आपका अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी, एक नक्षत्र। तो आंसर जो है आपका 19th का ये है 1, ठीक है, फर्स्ट। देन कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से, कृष्ण भक्ति धारा से, राम भक्ति धारा से। तो कबीर का आंसर है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, डैश के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा, संदेह, जिज्ञासा, भय, भ्रम। तो ये तो दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे, संदेह तो अलग ही चीज़ है। भ्रम, देखिए भ्रम क्या होता है, एक मिथ होता है एक तरह से, यानी कि हम हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट होती है वो चीज़, तो उस टाइम पर हम उसको रस्सी को सांप नहीं समझ सकते। जहाँ तक मेरा आंसर होगा वो भय होगा, ठीक है, भय की वजह से उसने क्या किया, रस्सी उसको सांप जैसी लगी तो उसने उसको सांप समझ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है चिदंबरा, उर्वशी या कामिनी या यशोधरा। तो जो आंसर है 16th का वो है सेकंड, उर्वशी। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, डैश हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, मोटी अकल का सोने पे सुहागा, पत्थर की लेकर बेपैंदी का लोटा, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉस युवा भारतीयों ने, भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, तो इसमें उद्देश्य बताना है कि इसका जो भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है, तो आंसर है आपका टोस, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है प्रेम, तेल, चिकनाई, गोद, तो आंसर आएगा गोद, ठीक है। नेक्स्ट है 12th, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, शब्द, वर्ण या फिर वाक्य, तो 12th का जो आंसर है वो है सेकेंड, शब्द। वर्ण तो मीन्स वर्ण बहुत छोटा हो जाता है, वो अर्थ व्यक्त नहीं करता है, तो अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहेंगे, तो 11th का आंसर है आपका 3rd, लक्षणा, ठीक है। तो ये हमारी हिंदी पार्ट भी हो गया, हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। अभी हम चलेंगे आपके इंग्लिश सेक्शन पर, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे आपके। तो देखिए आपका चूज द राइट डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनिलिया, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन जो है आप अपने बाकी ऑप्शंस देख लेना, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसका 4th आंसर होगा, नोट्स रिटन इन द मार्जिन ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट बाय यू हैव रीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, चूज द वर्ड फ्रेज दैट गिव्स द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस, योर फाइंडिंग्स आर ओरिजिनल बट यू हैवेंट फेमिलराइज्ड योरसेल्फ विद द नोमेनक्लेचर ऑफ अदर स्पेसिमेन, तो इसका आंसर आएगा, इसके आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इसका यही आएगा, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द ऑप्शन गिवन बिलो, शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच ए लार्ज ऑडियंस एंड डैश, फर्स्ट हैज टू बी प्रॉम्प्टेड, वॉज प्रॉम्प्टेड, हैड टू बी प्रॉम्प्टेड, विल बी प्रॉम्प्टेड, तो आंसर इसका होगा आपका 8th का सेकेंड, ठीक है, वॉज प्रॉम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज द ऑप्शन गिवन बिलो,
आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच आई गेस्ट यू डैश माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू हैड गिवन सम मनी माइट गिवन सम मनी विल हैव सम मनी ऑन यू. तो सेवेंथ का आंसर होगा फर्स्ट. ओके सेवेंथ का आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ गिवन ऑप्शन. राजू सीम टू बी लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी. ठीक है तो एट वन रिमूव फ्रॉम सम रिमूव एट सर्टेन रिमूव इन अ रिमूव. तो सिक्स्थ का आंसर होगा फोर्थ इन अ रिमूव. ठीक है फोर्थ आंसर होगा इसका. अब रह गए हमारे पांच क्वेश्चन लास्ट के. चूज द डिस्क्रिप्शन दिस दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कोरिजिएबल. ठीक है जिसको करेक्ट ही ना किया जा सके. हैविंग बैड हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और करेक्टेड और इम्प्रूव्ड. ठीक है आंसर थर्ड होगा फोर्थ का. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन ए मीनिंग टू द गिवन विद डायलेट. डायलेट का मतलब होता है एक तरह से एक्सपेंड हो जाना. तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है आपका अपोजिट पूछा हुआ है. तो इसमें आंसर आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाना. ठीक है कॉन्ट्रैक्ट डायलेट का आंसर कॉन्ट्रैक्ट होगा. सम लोग श्रिंक भी मान सकते हैं. श्रिंक भी सिकुड़ना होता है लेकिन अगर डायलेट के अपोजिट में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है. ठीक है नेक्स्ट है चूज द वन मीनिंग विच बेस्ट एक्सप्रेस द आइडम हॉब्सन्स चॉइस. ठीक है हॉब्सन्स चॉइस तो इसका आंसर है सेकेंड. ए सिचुएशन इन विच यू हैव नो चॉइस बिकॉज इफ यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन यू गेट नथिंग एट ऑल. ठीक है देन इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग sentence with the help of a given option. Application for this position should be filled by next Saturday latest. तो इसका आंसर होगा आपका first next Saturday at the latest. ठीक है तो ये थे हमारे first 30 question जिसमें हमने English, हिंदी and आपका जो current affair है वो discuss कर लिया है. Next portion में हम आपका computer, pedagogy एंड जो आपका रीजनिंग रह जाएगा तो उससे हमारा पूरा एक पेपर जो है पीजीटी का वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ये हमारा पूरा जनरल पार्ट का था. एंड ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो आपका पीजीटी का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है. अगर जैसे कई बच्चों से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट था, समझ नहीं आ रहा था. इंग्लिश भी उतना ईजी नहीं था जितना कल हमारा थोड़ा सा लेवल ठीक था. तो अभी टीजीटी का देखते हैं. शिफ्ट के अभी दो घंटे बाद हमारा टीजीटी का पेपर हो जाएगा. उसके बाद देखते हैं बच्चे उसका क्या रिव्यू देते हैं. एंड ये जो एग्ज़ाम आपके चैनल पर सॉल्व होते हैं ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब भी एग्ज़ाम होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर इतने अच्छे रिव्यू देने के लिए. और बाकी जो कंप्यूटर के लिए आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है उस चीज़ के लिए भी थैंक यू. बाकी जो जीएस है हमारा वो भी बहुत अच्छे से कवर हुआ है और उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही होगा क्योंकि आप खुद एग्ज़ाम में बैठते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि उसके प्रेस होने से ही आपके पास अपडेट जाते हैं कि नई वीडियो डल गई है. थैंक यू.